ट्विटर के को-फाउंडर और पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी ने दावा किया है कि किसान आंदोलन के दौरान भारत सरकार ने उनकी कंपनी पर काफी दबाव डाला था। कुछ अकाउंट्स को बंद करने के लिए कहा गया था, जिसमें किसान आंदोलन को लेकर सरकार की आलोचना की जा रही थी। इसके अलावा डॉर्सी ने आरोप लगाया कि भारत सरकार ने ट्विटर को भारत में बंद करने की चेतावनी दी थी। डॉर्सी ने कहा कि बात न मानने पर छापेमारी और ऑफिस बंद करने की धमकियां मिली थी। ये डॉर्सी का पक्ष है। इधर सरकार की तरफ से कहा गया है कि भारतीय संप्रभुता को वो चुनौती दे रहे थे। डॉर्सी ने आरोप लगाया था और उसको लेकर सरकार की तरफ से भी पलटवार किया गया है। डॉर्सी का आरोप है कि दफ्तर बंद करने की धमकी दी गई थी, ट्विटर को भारत में बैन करने की चेतावनी भी दी गई थी। तो ये तमाम बातें कही जा रही हैं। किसान आंदोलन के दौरान सरकार ने उन्हें धमकाया था। ट्विटर के पूर्व सीईओ की तरफ से ये तमाम बातें कही गई हैं। इधर कांग्रेस कह रही है कि डॉर्सी ने ताकतवर लोगों को बेनकाब किया। बीजेपी कह रही है कि आरोप झूठे हैं। कुछ प्रतिक्रियाएं ही सुनवाते हैं। देखिए, मैंने आज सुबह उठकर जैक डॉर्सी का एक स्टेटमेंट देखा और पढ़ा। मैंने बहुत संक्षिप्त में मुझे यही कहना है कि जैक डॉर्सी महान आदमी होंगे जरूर, लेकिन वो झूठ कह रहे हैं, क्योंकि 2020 से 2022 तक ट्विटर जो जैक डॉर्सी सीईओ थे तब देश के कानून को उल्लंघन करने में 2 साल वो करते रहे और भारत सरकार ने किसी को जेल नहीं भेजा, किसी को रेड नहीं किया, ये सरासर झूठ है। फिर भी 2022 जून में उन्होंने कंप्लाई करना शुरू किया और इस दौरान उन्होंने जितने लॉज को उन्होंने वायलेशन किए, उल्लंघन किए, भारत सरकार ने यही चाहा है कि वो जो भी प्लेटफॉर्म हो भारत के इंटरनेट में, छोटा हो या बड़ा हो, फॉरेन हो या इंडियन हो, वो हमारे कानून माने, हमारे कानून के कभी उल्लंघन ना करे। ट्विटर ने ये उल्लंघन किया है, किया था, लेकिन जो वो कहते हैं कि रेड हुआ है, जेल भेजा गया है, ये सरासर झूठ है। और ये आज बड़ा स्पष्ट भी हो गया है और हम सब जानते भी हैं, पिछले एक साल में 8 महीने में जो ट्विटर के फाइल्स निकले हैं और ट्विटर ने जैसे ट्विटर के मैनेजमेंट जैक डॉर्सी और उनके साथी जैसे उन्होंने ट्विटर के पावर को मिसयूज करके एक सेक्शन पॉलिटिकल क्लास को उन्होंने डी एम्पलीफाई, डी प्लेटफॉर्म करने का जो उन्होंने किया था, वो हमारे आर्टिकल 14-19 के एकदम विरुद्ध है। और हमने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, एक और बार कहता हूं मैं आज, हमें कोई प्लेटफॉर्म से कोई निजी कोई लाइक या डिसलाइक नहीं है। हम यही चाहते हैं हमारी सरकार कि जो भी प्लेटफॉर्म हो, अब फॉरेन प्लेटफॉर्म हो, अमेरिकन प्लेटफॉर्म हो, हमारे देश के कानून हमेशा रेस्पेक्ट करें, हमारे देश के कानून से हमेशा कंप्लाई करें।